या फाइटर का कलेक्शन बाप रे बाप कभी तो जंप हो जा रहा है संडे को तो भयंकर उछाल के साथ 12 करोड़ रुपए इसने कमा लिया लेकिन इसके बाद आता है मंडे 3.5 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ कमा करोड़ कमाके ये किसी तरीके से बरकरार है लुढ़क गया एकदम से लुढ़क गया आपको क्या लगता है कि ये फिल्म जो है चार करोड़ कमाएगी ना साढ़े तीन सौ करोड़ लगभग पूरे दुनिया भर में कमा चुकी है वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन थोड़ा सा ठीक रहा है लेकिन भारत के अंदर लगभग इसने बारह दिनों में एक सौ पॉइंट करोड़ रुपये ही कमा पाई है तो आपको क्या लगता है कि जो है ये फिल्म कितना ज़्यादा भी तरक्की करेगी नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी क्योंकि उस तरीके से माउथ पब्लिसिटी इसकी हो नहीं पा रही है बहुत लोग तरह तरह की कमियां निकाल रहे हैं तरह तरह की बातें बना रहे हैं और ऐसी बातें जनता को सबसे ज़्यादा समझ में आती हैं उनको लगता है कि भैया जब ऐसी बातें फिल्म के लिए हो रही हैं तो हो सकता है फिल्म ज़्यादा अच्छी ना हो बाकी फिल्म ठीक ठाक अपनी जो है कमाई कर रही है अपनी लागत वसूल लिया है इसने मतलब बहुत भयंकर तरीके से नहीं वसूल पाई है लेकिन वसूल लिया है बाकी इसको सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है और इसमें ऋतिक और दीपिका अनिल कपूर करण सिंह ग्रोवर जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और जो है ये पच्चीस जनवरी को रिलीज हुई थी आज है भैया छः जनवरी दमदार जो है एक्शन सीक्वेंस के साथ भारी भरकम वीएफएक्स वी एफ के साथ इसको जो है पर्दे पे पेश किया गया था बाकी आप लोगों ने फिल्म देखी या नहीं देखी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्ते राम जी